हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं पुष्पा आपके सामने नया वीडियो के साथ आई हूँ। आज का रेसिपी है मसाला पूरी। मैं यहाँ पे एक कप मैदा ले रही हूँ। अगर आप लोग चाहिए तो गेहूँ का आटा भी ले सकते हैं और चावल का भी आटा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसमें मैं आधा चम्मच अजवाइन और आधा चम्मच कलौंजी डाल रही हूँ। दो हरी मिर्ची बारीक काट लिया है, थोड़ा सा हरा धनिया, आधी चम्मच नमक, नमक स्वाद अनुसार डालिए। मैं एक कप मैदा लिया है, इसके लिए मैं एक आधी चम्मच नमक डाला है। एक बार इसको मिक्स कर लेते हैं। देखिए इस तरह मिक्स करने के बाद दो चम्मच दही डाल रही हूँ, एक चम्मच तेल। तेल का जगह पे आप लोग घी भी ले सकते हैं। आधे चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। एक बार मिक्स कर लेते हैं ताकि तेल, दही और अदरक लहसुन का पेस्ट अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। उसके बाद में स्पाइसेस डालते हैं। यहाँ पे मैं आधी चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, पाव चम्मच हल्दी पाउडर, एक आधी चम्मच धनिया पाउडर। हम इसको एक बार मिक्स कर लेते हैं। ऑलरेडी हम तेल, दही डाल चुके हैं इसलिए थोड़ा नरम हो चुका है। अभी इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते हुए मिक्स करेंगे। आटा तो रेडी हो चुका है, देखिए नरम, एकदम नरम नरम है। मैं इसको 10 मिनट तक साइड में रखा था, उसके बाद में लिया है। अभी इसको हम पूरी के साइज से भी छोटा लेंगे क्योंकि मैं यहाँ पे छोटा छोटा बना रही हूँ। मैं आपको बताती हूँ कितना छोटा ले रही हूँ। देखिए एकदम छोटा सा लिया है। इसको तेल की और आटे की ज़रूरत नहीं पड़ती है क्योंकि हम ऑलरेडी इसमें दही और तेल डाल चुके हैं। देखिए मैं कुछ भी नहीं डाला, नीचे ऐसी बेल रही हूँ। अगर आप लोगों को अगर चिपक रहा है तो थोड़ा सा आटा डाल के उसको सेट कर लीजिए। अभी मैं गैस पर तेल लगा चुके हूँ, तेल गर्म हो रहा है। तेल गरम होते थे हम छोटे पूरियाँ तल लेते हैं। तेल गरम हो चुका है, अभी मैं इसमें पूरी डाल रही हूँ। देखिए डालते ही फूलना शुरू हो गया है। पूरी तो तल चुका है, देखिए इसके ऊपर मसाले बहुत अच्छा दिख रहा है, लाइट गोल्डन कलर आया है। मैं एक प्लेट में ऑलरेडी टिश्यू पेपर डाल के रखा है, अभी उसके ऊपर डाल देती हूँ। एक्स्ट्रा जो तेल है वो निकल जाएगा। मैं पूरा पूरियाँ तल चुकी हूँ। अगर आप लोग चाहिए तो पूरी जैसे जितना साइज़ रहता है उतना साइज़ भी बना ले सकते हैं। ये टी टाइम है इसलिए मैं छोटा छोटा पूरी बनाई हूँ स्नैक्स के जैसा खाने के लिए। आप लोग इसको ऐसे ही खा सकते हैं, नहीं तो दही के साथ भी खा सकते हैं, मगर टी टाइम है ना, टी के साथ खाए तो उसका मज़ा अलग ही रहता है। मैं यह एक पूरी तोड़ के बताती हूँ कैसा बना है। देखिए बहुत अच्छा दिख रहा है, दिखने में नरम भी है, हम चाय के साथ खाने के लिए बहुत अच्छा टेस्ट रहता है। ये गरम चाय और मसाला पूरी कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा रहता है। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आए तो आप लोग भी ट्राई करिए, ट्राई करके कमेंट बॉक्स में लगाइए कैसा बना है। अगर आप लोगों को मेरा रेसिपी पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना भूलिए मत, जो भी मैं वीडियो बनाऊंगी आप तक पहुंच सके। तब तक के लिए अलविदा, धन्यवाद दोस्तों।